कभी शायरों के गजलों में तो कभी गीतकारों के गीतों में चंद्रमा को कोमल और चकोर बताया जा रहा है। कवियों और शायरों ने जिस कल्पना के साथ चंद्रमा को अपने गीतों और गजलों में स्थान दिया, अब भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के जरिए वहां की स्थिति के परीक्षण के लिए जी जान लगा रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब चंद्रमा की सतह पर उसकी सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी नजदीक आ रही है। वैसे वैसे सबकी धड़कनें भी बढ़ रही हैं। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम ने इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर के जोखिम को लगभग खत्म कर दिया। लैंडिंग के वक्त वो सारे विकल्प मौजूद रहेंगे जिनका इस्तेमाल किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित लैंडिंग कराया जाता है। दुनिया के कई देशों की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। खासतौर पर रूस, अमेरिका और चीन चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर टकटकी लगाए बैठे। इसकी वजह यह है कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का मुकाम इन्हीं 3 देशों को हासिल है। चंद्रयान 3 की राह में कोई चट्टान आई या उतरने वाली जगह समतल नहीं है, तो ऐसे में उसकी दिशा बदलने का विकल्प रखा गया। यूं कह सकते हैं, इस बार सॉफ्ट लैंडिंग में कठोर जैसा कुछ नहीं। चंद्रयान 3 के लिए एक स्प्रिंग पर आधारित सिस्टम तैयार किया गया है। आपको बता दें, सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर रहा था तो उसका विक्रम लैंडर से संपर्क टूटा। वो सब आखिरी के 15 मिनट में हुआ। वजह है, सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया में लास्ट मिनट्स ऑफ टेरर रहता है। इसे अंतिम क्षण का जोखिम कहते हैं। यही वो घड़ी होती है जब अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सांसें थमने लगती हैं। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 के साथ जो कुछ भी हुआ, इस बार उसके सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने उन सभी विकल्पों को अपने साथ लिया जिनका इस्तेमाल किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित लैंडिंग के लिए किया जा सकता है। इसके लिए इसरो में कोई एक दो नहीं बल्कि अनेकों ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र आयोजित किए गए। इन्हीं के द्वारा चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग की तैयारी की गई है। अगर चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त कोई भी बाधा आती है तो उसे दूर किया जाएगा। सामने पत्थर आया तो भी चंद्रयान 3 संभल जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस बार कई विकल्प अपने पास रखे हैं। चंद्रयान 3 को टारगेट स्थल से आगे पीछे ले जाने की व्यवस्था रहेगी। 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। अगर एक जगह ठीक नहीं है तो दूसरी जगह पर लैंडिंग हो जाएगी। आपको बता दें, चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे, इस बार 4 इंजन हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रयान 3 का वजन कम रहे। पूर्व वैज्ञानिक और पूर्व रेडियो कार्बन डेटिंग लैब बीरबल साहनी, पूरा विज्ञान संस्थान लखनऊ के डॉक्टर सीएम नौटियाल कहते हैं, चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है पृथ्वी के मुकाबले। वहां पर वजन 1/6 कम रहता है। वहां पर वही बल विपरीत दिशा में काम करता है। वजन कम रखने से कई बातें आसान हो जाती हैं। उन्होंने कहा, चंद्रयान 3 से लगातार संपर्क बना रहे, इसके लिए पावरफुल सेंसर लगाए गए हैं। वेट और ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर यंत्र का इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए हमें पता लगेगा चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 की ऊंचाई कितनी है। वेट मापने का यंत्र डॉपलर के सिद्धांत पर काम करेगा। इसके जरिए लगातार ऊंचाई और वेट का पता चलता रहेगा। जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरेगा उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रमा की सतह पर पर्यावरण स्वच्छ होता है, वहां प्रदूषण की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर ऐसा कोई कण होता भी है तो हवा में जल जाता है। इस वजह से वहां जो भी वस्तु आती है वो सीधे ही चंद्रमा की सतह से टकराती है। जब सीधे ही कोई वस्तु टकराती है तो वो इधर उधर छिटक भी सकती है। वहां पर पहले से धसी हुई मिट्टी से चट्टान बाहर आ जाते हैं। चंद्रमा पर बहता हुआ पानी तो है नहीं, इसलिए वहां मौजूद गड्ढे भरते नहीं हैं। चट्टान या क्रेटर सब वैसे ही रहते हैं। चंद्रयान 3 के लिए समतल जगह का चयन किया गया। उन्होंने कहा, अगर उस वक्त कोई पदार्थ बीच राह में आया तो चंद्रयान का संतुलन नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। उस वक्त की फोटोग्राफी होती रहेगी। इससे भी ज्यादा कोई बाधा आती है तो चंद्रयान 3 की दिशा बदल दी जाएगी। वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक केवल वही अभ्यास किया है कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है, इसका निदान क्या होगा, सभी बातों को देखा सोचा गया है। यही वजह है कि पत्थरों के बीच चंद्रयान की दिशा बदलने का विकल्प पास रखा गया है। ये सारे कमांड पूर्णतः स्वचालित रहते हैं। ऑर्बिटर वहीं से कंट्रोल करेगा। लैंडर में सेंसर लगाए गए हैं। कहा गया कि चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को पृथ्वी से बाहर यानी चंद्रमा पर एक स्टेशन तैयार करने का अवसर देगी। यहाँ से दूसरे ग्रहों पर जाना आसान हो जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।